टिकट, हाँ एक और चीज मैं क्लियर करता चलो, टिकट के हवाले से जो हमें दो टिकट्स मिली हैं उनका एक तो मैं नंबर आपको बताता हूँ कि जो हमें टिकट्स मिली हैं उनका नंबर ये है जनाब, टिकट सीरियल नंबर है 498 एंड 499, पेवलियन G1 गेट नंबर 11। और एक सरप्राइज मैं आपको देता चलूं, देखें हम मैं भी इस टाइम इस्लामाबाद में हूं, हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ इसका ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर नहीं बनता। चाइना इंडिया से बहुत आगे है, तो फिर हर एक दिन सुबह सुबह इंडिया के साथ ही कंपैरिजन क्यों? हाँ, स्पेशल मतलब यह कि जैसे सब्जेक्ट होता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंडिया को लेके एक सब्जेक्ट बनाऊंगा, रियल हिस्ट्री को लेके एक सब्जेक्ट बनाऊंगा कि हमें जो सी हिस्ट्री बताई जा रही है, रियलिटी में जो हिस्ट्री है, ये सब चीजें करूंगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं शायद कैमरा के सामने बता नहीं सकता, ऑफ द कैमरा बहुत सी चीजें फेस करना पड़ती हैं, इवन फैमिली के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी बहुत अजीब तरीके से अक्सर जो है वो मतलब बात करते हैं कि भाई आप इंडिया 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 ही क्यों करते रहते हो। मैं जब अपना कमेंट बॉक्स देखता हूं, कमेंट सेक्शन देखता हूं, तो मुझे इतना मतलब एक शुक्र अदा करता हूं, एक फख्र महसूस होता है कि यार एजुकेटेड लोग हैं, बात को समझते हैं, चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और आज मैं जिस पोजीशन पे हूं अपनी ऑडियंस की वजह से हूं। माय क्वेश्चन टू यू, इफ यू गेट इंडियन सिटीजनशिप व्हाट वुड यू लाइक टू ज्वाइन? बिल्कुल नहीं जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अभी मैं कहां हूं और आने वाले कुछ दिन के बाद मैं कहां से वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले ये बताता चलूं कि मुझे और आबिद भाई को वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में चल रहा है उसमें एक मैच की टिकट मिल चुकी है। वो टिकट हमें किसने स्पॉन्सर की और उन टिकट का हम करने के वाले हैं इसी वीडियो में। अपने देखने वालों के लिए भी मेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज मौजूद है जो कि मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, ना हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं ना ही फाइनल खेल सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान में मैच के हवाले से थोड़ा सा माहौल फीका फीका सा चल रहा है। अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बोला था कि आपके दिल में जो भी सवालात हो मेरे लिए आप वो सवाल कर सकते हैं, मैं उनका आंसर करूंगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं आपके सवालात की तरफ, और ये सवालात बहुत ही सीधे सीधे सख्त सख्त सवाल हैं और मैं कोशिश करूंगा इनके सीधे सीधे जवाब दूं। सबसे पहला सवाल है, वुड यू कंटिन्यू दिस चैनल इफ यूट्यूब स्टॉप्स मोनेटाइजिंग वीडियो? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सवाल पूछा है कि मतलब अगर यूट्यूब पैसे देना ही बंद कर दे तो क्या आप यूट्यूब पे काम करेंगे? तो देखें मैं सीधी बात करता हूं कि जो भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी यूट्यूबर है पाकिस्तान से, इंडिया से या दुनिया की किसी भी कंट्री से, कहीं ना कहीं पैसे मैटर करते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं। मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे साथ टीम है और उनके साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनका इस यूट्यूब की वजह से, इस चैनल की वजह से घर चलता है, तो इसलिए पैसे मैटर करते हैं। लेकिन अगर YouTube कोई ऐसी पॉलिसी लाता है कि भाई आपको मोनेटाइजेशन नहीं होगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पहले नंबर पे ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर भी मैं YouTube को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद कहीं ना कहीं ये भी है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं जो लोगों के दिलों में नफरतें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खत्म हो। और काफी हद तक ये चीजें मुझे, मैं नोट कर रहा हूं कि काफी हद तक ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपके ज्यादातर व्यूअर्स तो इंडिया से हैं, आपको क्या फायदा, पाकिस्तान में आप अवेयरनेस लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स आपके इंडिया के हैं। तो आप, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग पाकिस्तान से देखते हैं, और वो ना भी देखें, जिन लोगों से मैं बात करता हूं कहीं उनमें से 10 लोगों की सोच तो बदली होगी अब तक, 100 लोगों की सोच तो बदली होगी अब तक। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही नेक काम है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक कर सका। हां, आगे इससे बेहतर तरीके से मैं इसी काम को अगर कंटिन्यू रख सका तो फिर मैं सोचूंगा लाइक पॉलिटिक्स या इन चीजों में आके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाय सुहेब, विच सिटीज इन भारत यू वांट टू विजिट इफ यू गेट अ चांस टू कम टू भारत? तो पाकिस्तान से जो लोग भी इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, यानी इंडिया विजिट के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें क्लियरली ये कहा जाता है कि भाई चार सिटीज आपको सिलेक्ट करने हैं जिनमें आप विजिट कर सकते हो। तो मैं कोलकाता सबसे पहले, उसके बाद मैं दिल्ली, मुंबई, और एक कोई सिटी एट द स्पॉट, मतलब उस टाइम पे मैं सिलेक्ट करूंगा जहां पे मेरे लिए बेहतर हो जाना, तो ये चार सिटीज। लेकिन ये तीन सिटीज मैं जाना जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों की अगर बात करें तो एक मतलब ऐसा लगता है लाहौर और दिल्ली एक जैसा है,
है, ये मैंने सुना है हमेशा से, तो मैं देखना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों में और लाहौर के लोगों की सोच में कितना फर्क है, वहां पे एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कितना फर्क है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फर्क है। क्योंकि अब तक जितनी भी हम वीडियोज बनाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितनी भी मैं वीडियोज बनाई है भारत के डेवलपमेंट के ऊपर, भारत की एजुकेशन के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर, मैं वहां नहीं गया। इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी चीजें हमें पता चलती है, जो न्यूज हमें पता चलती है, उसी को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही बेहतर होगा अगर हमें यह चांस मिलता है कि हम इंडिया जाएं और फिजिकली वहां पे जाके चीजों को ऑब्जर्व करें, वहां से जाके लोगों को दिखाएं कि भाई किस तरीके से इंडिया डेवलप हो चुका है या इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूं जल्दी यह चीज भी पूरी होगी, लेकिन फिलहाल तो अभी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ? इसका ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर नहीं बनता। नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, मैंने ये बोला था जो भी आपके सवाल आते होंगे उनके जवाब दूंगा, तो इनका इसका जवाब मैं इस तरीके से दे सकता हूं कि आज के दौर में YouTube पे या मतलब सोशल मीडिया की अगर बात करें, ऐसी एप्स आ चुकी हैं कि आप YouTube से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जितने भी पैसे अर्न करते हो, आप उन एप्स के थ्रू चेक कर सकते हो किसी भी YouTube का रेवेन्यू। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं इतने पैसे कमा लेता हूं YouTube की वजह से कि मेरा घर चल जाता है, मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं उनका घर चल जाता है, और उनके साथ जो 10-15 फैमिलीज जिनकी जिम्मेदारी हमने उठा रखी है अपने चैनल की तरफ से, जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं, कुछ मिनोरिटीज में से हैं और कुछ ओवरऑल, तो उनका घर भी चलता है और बहुत बेहतरीन है। मेरी उम्मीद से मतलब यह है कि अगर मैं कहीं जॉब करता, किसी मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी अगर जॉब करता, तो शायद इतनी अर्निंग ना होती जितनी इस YouTube चैनल से हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि देखने वालों को समझ आई होगी कि कितने पैसे हम अर्न कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस वन फॉर Q&A। व्हाट इफ समवन गिव यू चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, व्हाट वुड बी योर अप्रोच टुवर्ड भारत एंड पाकिस्तान रिलेशन? अगर मुझे ये चांस मिलता है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूं, अगर ये चांस मिलता है, या फिर फॉरेन मिनिस्टर बनूं, तो मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पे ये बिल्कुल सख्ती से बोलूंगा कि भाई जो 75-76 साल से आपने नफरतें फैलाने की कोशिश की या आप जो ये चीजें करते रहे, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों में अगर नफरत है इंडिया को लेकर, तो वो कैसे आई? कोई इंडिया तो ऐसा गए नहीं लोग, वो कैसे नफरत आई? वो नफरत ऐसे आई कि जब हमने मीडिया पे देखा, सुबह दोपहर शाम देखा कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, भाई इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, मिनोरिटीज पे जुल्म, तो फिर हमारे दिलों में वो एक चीज पैदा होती है। जब हम मीडिया पे पॉजिटिव चीज दिखाएंगे और सच दिखाएंगे, लेट्स सपोज अगर कहीं पे कोई इशू होता है दिखाएं, वो तो हर एक का राइट है, लेकिन खाली प्रोपोगंडा अगर किया जाएगा, फेक न्यूज को, आधी न्यूज को चलाया जाएगा, तो उससे नफरतें बढ़ती हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के आने की वजह से ऐसे YouTube चैनल्स हैं जिन पे जो सच है वो भी दिखाया जाता है, तो मैं ये समझता हूं नफरतें ऑलरेडी कम हो रही हैं। उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर मैं बनता हूं या पॉलिटिक्स में आता हूं या मेरे हाथ में ये कंट्रोल आता है कि मैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकूं, तो मैं एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले बेहतर करूंगा। क्योंकि किसी भी कंट्री में जब तक एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होता, वो कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। वो चाहे उस कंट्री के लोग कितने ही मेहनती हो, वहां पे जितने भी ज्यादा जो है वो कह लें आपके अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए एजुकेशन पे वर्क करेंगे, सीखेंगे, सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया से सीखेंगे भाई। क्योंकि इंडिया 1947 में क्या था, आज 2023 में क्या, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान को अगर मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे पाकिस्तान के लोगों को नजर नहीं आ रहा, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई सीखे। और मैं ये बड़ी एक ओपनली बात कर रहा हूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक स्पेशल मतलब यह कि जैसे सब्जेक्ट होता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंडिया को लेके एक सब्जेक्ट बनाऊंगा, रियल हिस्ट्री को लेके एक सब्जेक्ट बनाऊंगा कि हमें जो उसी हिस्ट्री बताई जा रही है, रियलिटी में जो हिस्ट्री है, ये सब चीजें करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। उसके बाद, आर यू इंटरेस्ट इन टू फॉर्मिंग अ पोलिटिकल पार्टी विद आबिद अली इन नियर फ्यूचर? ये जो अभी पहला सवाल था उसी सवाल से ऑलमोस्ट लिंक करता है। पॉलिटिक्स में जाने का मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन जब से मैं सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ कि भाई बहुत से काम है जो सिर्फ बोलने से, माइक पकड़ के, मतलब मैं चला जाऊं कि ये बताएं जी कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे डेवलपमेंट आ सकती है, सिर्फ इन चीजों से कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकली आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, और उसका सबसे
बेहतर प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स है। तो अगर मुझे मौका मिला तो पॉलिटिक्स में तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। अभी ट्रेनिंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं, देख रहा हूं कि किस तरीके से मैं बेहतरी ला सकता हूं, किस तरीके से मैं वर्क कर सकता हूं अपने लोगों के लिए, खासतौर पे माइनॉरिटीज के लिए। अब ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई माइनॉरिटीज का ये बड़ा नाम लेता है, शायद व्यूज के लिए ये वो। देखें, पाकिस्तान का इमेज आज अगर पूरी दुनिया में उस तरीके से बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए था, पाकिस्तान में अगर आज भी सिंध के एरिया में आप चले जाएं, इवन आप बलोचिस्तान में चले जाएं, माइनॉरिटीज की जो कंडीशन है, अगर आप पूरी दुनिया ये देख रही है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं उनके लिए कुछ करूंगा तो ये माइनॉरिटीज से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होगा, मतलब पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। तो इसलिए मेरा बहुत दिल करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे पाकिस्तान के लोगों में बेहतरी आए, जिससे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज में कुछ बेहतरी आए, वो आगे आए, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो राइट्स हैं वो ले सकें, अपने राइट्स के लिए बोल सकें। तो इसके लिए मैं जरूर कुछ करूंगा और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, ये नहीं कि एक साल दो साल, जब भी मतलब मौका मिला तो आप ये चीज जरूर देखेंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन है सुहेब ब्रो, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट सर मेजर गौरव आर्या इंटरव्यू ऑन योर चैनल बिकॉज ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मेजर साहब से बात होती रहती है, मतलब कभी इस तरीके से फोन वगैरह पे इस तरीके से, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बट उनकी अपनी मसरूफियत है और कुछ उनकी अपनी मतलब वो चीजें हैं जिनकी वजह से वो हमारे चैनल पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूं पाकिस्तान को लेके वो बहुत सख्त बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राइट बोलते हैं, मतलब जो वो बात करते हैं ओवरऑल जो उनकी थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू डियर सुहेब जी, व्हाई इज द 95% सब्सक्राइबर्स आर इंडियन बेस्ड नॉट योर कंट्री? डोंट स्किप माय क्वेश्चन, द रीजन इज वी आर स्प्रेडिंग पॉजिटिव एंड लव टू आवर सब्सक्राइबर्स। लास्ट में आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ओवरऑल मैं यही समझाऊं कि भाई आपके 95% सब्सक्राइबर इंडियन बेस्ड हैं। तो देखें, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं कुछ अपने पास से सिलेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे ऑडियंस इंडिया से ही देखे, या मुझे ऑडियंस पाकिस्तान से देखे, या मुझे ऑडियंस चाइना से देखे, या किसी भी कंट्री से। मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मेरा मेन मकसद यही था कि भाई पहले ये था कि भाई इंडिया के लोगों को जो सच है, जो रियलिटी है, पाकिस्तान में जो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान के लोग जो इंडिया के बारे में सोचते हैं, वो मैं दिखाऊं। लेकिन जब हमारे चैनल ने ग्रो किया, जब मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं, तो मेरा बहुत दिल करता है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से ज्यादा लोग मुझे देखें। इवन अक्सर वीडियोस में मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो इंडियंस देख रहे हैं वो अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं या सोशल मीडिया पे जिन पाकिस्तानियों को जानते हैं उनको हमारी वीडियोस आप शेयर करें। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों में शायद जिस तरीके से हम कंटेंट बनाते हैं एजुकेटेड वे में, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, वर्ल्ड अफेयर को लेके, शायद उतना अभी सोशल मीडिया पे लोग नहीं देखते। पाकिस्तान में ज्यादातर यही देखा जाता है नवाज शरीफ कब आ रहा है, इमरान खान साहब को कब जेल हुई, कब वापस आ रहे हैं, किसने कितनी चोरी की, किसने क्या किया, किसने, मतलब ये चीजें पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चलती हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ऐसा कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से ऐसा नहीं बताया जाता, तो इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि टाइम के साथ साथ पाकिस्तान की जो यूथ है उसमें अवेयरनेस आ रही है, पाकिस्तान की यूथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू हुई है, तो टाइम के साथ साथ हमारा चैनल पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। कुछ वीडियोस मेरी पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई, खासतौर पे जो चंद्रयान 3 के हवाले से वीडियोस थी वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े चैनल ने वो वीडियोस यूज भी की, इंडिया में भी वो देखी गई, मतलब कुछ वीडियोस देखी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस मैं ओपनली कहता हूं इंडिया से है। बट चाहता हूं कि पाकिस्तान से भी हो, इंडिया से भी हो, जहां जहां हिंदी समझी जाती है, जहां जहां उर्दू समझी जाती है, जहां जहां हमारी जुबान समझी जाती है, वहां पे मेरी वीडियोस देखी जाए। और एक चीज मैं साथ साथ, मतलब आगे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन एक चीज मैं साथ साथ क्लियर करता चलूं कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप मुझे नीचे सजेस्ट कर सकते हैं कि जो मेरे काम में बेहतरी मैं ला सकता हूं वो मैं लाऊं, क्या ऐसा किया जाए जिससे कुछ वाकई में हेल्दी सा कुछ एक एनवायरमेंट बने, जिससे नफरतें कम हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो, ये आप मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन आइडियाज के ऊपर इंप्लीमेंट भी करूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना इंडिया से बहुत आगे है तो फिर हर एक दिन सुबह सुबह इंडिया के साथ ही कंपैरिजन क्यों?
हाँ, ये भी बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी अक्सर लोग सवाल करते हैं। कुछ लोग यूट्यूबर इंडिया से ये स्पेशल वीडियो बनाते हैं कि भाई इंडिया 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 ही क्यों पाकिस्तानी यूट्यूबर करते रहते हैं। तो एक चीज तो मैं क्लियर करता चलूं कि ये मतलब हर एक फील्ड में अगर आप देखें तो, अगर लेट्स सपोज मैं इंडिया पाकिस्तान या ओवरऑल इंडिया के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो फनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि इंटरटेनमेंट के हवाले से वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं। हर एक की अपनी अपनी एक लाइन होती है, ऑडियंस होती है, हमने वही ऑडियंस के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। लाइक आज मैं इंडिया के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कल मैं जाके अपना चाइना के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो चाइना से लोग तो देखेंगे नहीं। और बड़ी बात की जो आपके सवाल का जवाब है कि चाइना से कंपैरिजन क्यों नहीं करते, वो तो इंडिया से आगे है, बहुत आगे आपने लिखा, लेकिन मैं ये कहूंगा बहुत आगे नहीं है। नो डाउट इकोनॉमी में बहुत आगे है, लेकिन ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप डेटा इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कि इस साल जो डेटा आया है, जो ओवरऑल ग्राफ आया है इंडिया की ग्रोथ का, वो चाइना से ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं कि भाई चाइना से हमारा ऐसा लिंक नहीं है, पीपल टू पीपल हमारा कनेक्शन नहीं है। नो डाउट हमारे गवर्नमेंट के रिलेशन चाइना के साथ एज कंपेयर टू इंडिया बहुत बेहतर है, लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोगों को पाकिस्तान के लोग हों या इंडिया के लोग हों, चाइना में उतना इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग मतलब इतने साल इकट्ठे रहे हैं, हमारे बड़े बरसगीर में हिंदुस्तान में इकट्ठे रहे हैं, तो आज हम अगर चाहेंगे तो इंडिया के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे, चाइना के साथ भी रिलेशन बेहतर हो, अफगानिस्तान ईरान के साथ भी रिलेशन बेहतर हो, लेकिन पर्सनली दिल करता है कि उन लोगों के साथ रिलेशन बेहतर हो जो हम जिनके साथ रहे हैं। हम एक ही थे आज, मतलब 1947 के बाद अगर अलग हुए और बहुत ही अलग हो गए, वो एक अलहदा मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। टिकट, हाँ एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं टिकट के हवाले से, जो हमें दो टिकट्स मिली हैं उनका, एक तो मैं नंबर आपको बताता हूं कि जो हमें टिकट्स मिली हैं उनका नंबर ये है जनाब, टिकट सीरियल नंबर है 498 एंड 499, पेवलियन G1 गेट नंबर 11। और एक सरप्राइज मैं आपको देता चलूं, देखें हम मैं भी इस टाइम इस्लामाबाद में हूं, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद गया इंडियन एम्बेसी में, और वहां पे जाके हमने बोला कि भाई इस तरीके से हम मैच देखना चाहते हैं, और ये मैच है पाकिस्तान और वर्सेस इंग्लैंड का, जो कि आज ही मैच है, तो हमने ये बोला कि भाई मैच देखना चाहते हैं, कल भी हम वहीं थे, तो ये बोला मैच देखना चाहते हैं, टिकट्स हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने बोला एक तो आप लेट हो चुके हैं, सेकेंडली कोई भी वीजा किसी यूट्यूबर को या किसी पाकिस्तानी को हम अभी नहीं दे रहे, जब कभी वीजा ओपन होंगे तो फिर देखेंगे। तो अब इन टिकट का मैं क्या करूं, ये मेरे लिए सोचने वाली बात है, इसलिए मैंने सोचा कि ये दो टिकट आपको स्क्रीन पे भी शो होंगी, इसके अलावा आप मतलब मुझे प्रोसीजर बता दें, किस प्रोसीजर के थ्रू जो लोग भी कोलकाता से इस स्टेडियम से या इस स्टेडियम के आसपास से मैच देखने के लिए जाना चाहते हैं, ये दो टिकट मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, आप जा सकते हैं। ये टिकट का नंबर मैं ओपन आपको दे दूंगा, जो भी चला गया वो चला जाए। तो अब मैं तो जा नहीं सकता डेफिनेटली, फिर या नाबिद भाई नहीं जा सकते, हम यहां से अभी फिलहाल नहीं जा सकते, दुख है अफसोस है, बहुत कोशिश की, इससे पहले भी दो बार कोशिश कर चुका हूं, अभी भी कोशिश की, लेकिन वीजा नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि भाई बहुत सी रिक्वायरमेंट है जो पूरा करते करते ही शायद दो माह तीन माह लगे, तो इसलिए अभी फिलहाल हमें वीजा नहीं मिला जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन टू यू, इफ यू गेट इंडियन सिटीजनशिप व्हाट वुड यू लाइक टू ज्वाइन। बिल्कुल नहीं, देखें यही सवाल लेट्स सपोज मैं आपसे करता हूं कि अल्लाह ना करे किसी के भी कंट्री में बुरे हालात आते हैं, इकॉनमी डाउन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती, वहां पे बहुत से इश्यूज होते हैं, तो क्या वो अपना कंट्री हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहेगा। मैं ये समझता हूँ जो भी अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने कंट्री से प्यार करता है, अपनी मिट्टी से प्यार करता है, वो कभी नहीं जाएगा। हाँ वक्ती तौर पर आप मतलब बिजनेस के लिए जॉब के लिए किसी कंट्री में जा सकते हो, लेकिन आप ये सोचो, अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं ये सोचूं पाकिस्तान को छोड़ ही दूं, सिटीजनशिप किसी और कंट्री की, भारत की या किसी भी कंट्री की मिले तो मैं वहां पे चला जाऊं, ये मैं ऐसा ना कभी सोचा है, ना सोचा, ना ही सोचूंगा। तो मेरे लिए पाकिस्तान बहुत ही अजीज है, और शायद यही वजह है कि मैं पाकिस्तान में रह के इस तरीके से काम कर रहा हूं। अदरवाइज बिलीव मी, और भी किसी कंटेंट में मैं काम करता, नो डाउट शायद इतने व्यूज ना आते, नो डाउट, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता था। बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर अर्निंग कर रहे हैं, और इंडिया के कंटेंट पे काम भी नहीं कर रहे, तो मैं भी अगर चाहता तो उस तरीके से कर सकता था, लेकिन मेरी ये सोच थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काम किया जाए, रिलेशन बेहतर करने की बात की जाए, और इसकी वजह से बहुत से इश्यूज भी फेस करना पड़ते हैं सम टाइम, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं शायद कैमरा के सामने बता नहीं सकता, ऑफ द कैमरा बहुत सी चीजें फेस करना पड़ती हैं, इवन फैमिली
के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी बहुत अजीब तरीके से अक्सर जो है वो मतलब बात करते हैं कि भाई आप इंडिया 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 ही क्यों करते रहते हो, इंडिया से कोई खास प्यार है, ये है वो है। लेकिन मेरे दिल को पता है, मुझे पता है कि भाई मैं किस वजह से काम कर रहा हूं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं या इंडिया की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। ये आने वाले टाइम में शायद इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की यूथ को पता चलेगा कि भाई अगर मैं कहता हूं इंडिया से सीखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई वहां पर डेवलपमेंट हो रही है हमें भी यहां पर करनी चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि हमें रिलेशन ना सिर्फ इंडिया से तमाम नेबर्स के साथ पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर करने चाहिए, तो मैं गलत नहीं कहता। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहता हूं, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, दर्द है, तो ही मैं इतना रिस्की काम करता हूं, इस तरीके से कंटेंट पे काम करता हूं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ूं, पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तानी रहना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान को बदलने की कोशिश करता रहूंगा। ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं कि मैं फखर से कह सकूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे बच्चे ये फखर से कह सकें कि हाँ भाई हम इस पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है, मैं ओपनली ये बात करता हूं कि भाई बहुत से पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज में जाके खुद को ये बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान की उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे इंडियंस को किया जाता है। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं कि भाई वहां पे लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में, इवन इस्लामिक कंट्रीज में जाके वो कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, ताकि उन्हें जॉब मिल सके, ताकि उन्हें मजदूरी काम मिल सके, ताकि उनको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। तो पाकिस्तान छोड़ने की बजाय पाकिस्तान को बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता हूं और आने वाले टाइम में मजीद कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सुहेब भाई, कभी यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले सोचा था कि इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और इतना प्यार मिलेगा खास तौर पे भारत से? अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना मुझे पता था कि जब मैं रियलिटी दिखाऊंगा, जब मैं सच दिखाऊंगा तो लोग जरूर देखेंगे, ये मुझे शुरू से आइडिया था। लेकिन खास तौर पे जो चीज मैंने नहीं सोची थी, जो एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ये थी कि मुझे जो ऑडियंस मिलेगी, चाहे वो 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, या अभी 11 लाख हो चुके हैं, मुझे जो ऑडियंस मिलेगी वो मोस्टली एजुकेटेड होंगे। ये चीज मुझे एक्सपेक्ट मैं नहीं करता था, मतलब मुझे था यूट्यूब पे हर तरह के लोग आते हैं, एजुकेटेड भी अनएजुकेटेड भी, हर तरह की ओपिनियन देंगे, हर तरह के कमेंट करेंगे। लेकिन मैं जब अपना कमेंट बॉक्स देखता हूं, कमेंट सेक्शन देखता हूं, तो मुझे इतना मतलब एक शुक्र अदा करता हूं, एक फख्र महसूस होता है कि यार एजुकेटेड लोग हैं, बात को समझते हैं, चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और आज मैं जिस पोजीशन पे हूं अपनी ऑडियंस की वजह से हूं, आज मैं जिस जगह पे हूं अपनी ऑडियंस की वजह से हूं, कि उन्होंने हमेशा मेरे काम को पसंद किया है, मुझे बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, बहुत से लोग मैसेजेस मेल्स करते हैं कि भाई आप जो उनसे मोटिवेट करते हैं मुझे, चाहे मैं सिंध जाऊं, चाहे मैं कराची जाऊं, चाहे मैं कश्मीर जाऊं या लाहौर में रह के काम करूं, तो बहुत से लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मैं पर्सनली कहूं, आप चाहे इस बात को बिलीव करें या ना करें, लेकिन मैं पर्सनली बात बताऊं तो मुझे ये सब्सक्राइबर मतलब 1 मिलियन हो गए, इतने हो गए, इसका इतना नहीं रहता। मुझे ज्यादा यही रहता है कि जो लोग देख रहे हैं वो मतलब मुझे, मेरे काम को समझे, मेरे काम को पसंद करें, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सल्यूट करता हूं लोगों को जो मुझे समझते हैं, मेरे काम को समझते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। इवन मोहब्बत एक फैमिली वाला एक सिस्टम बन चुका है, जहां पे अगर कभी गलती भी होती है बहुत प्यार से कमेंट में बताते हैं कि भाई सोहेब आपने ये गलत किया, या सोहेब भाई आप ये अपनी करेक्शन कर लें, और मेरी ये जिम्मेदारी रहती है, मैं ये समझता हूं मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे से कहीं पर मिस्टेक हो तो मैं ओपनली उसे बोलूं कि हाँ भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई है, उसके ऊपर सॉरी करूं और नेक्स्ट टाइम के लिए उसे उस काम को बेहतर करने की कोशिश करूं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यूट्यूब का खास तौर पे, और इंडिया से आपने जो बोला कि भाई इंडिया से इतना प्यार मिलेगा, आइडिया था मुझे कि भाई जाहिर बात है वहां पे भी लोग देखने वाले हैं, वहां पे भी इंसान है, यहां पे भी इंसान है, जब आप सच की बात करते हो और खास तौर पे किसी कंट्री के लिए सच की बात करते हो और उस कंट्री में रह के मतलब पाकिस्तान में रह के इंडिया के लिए बात करते हो तो लोग आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे, ये आइडिया था मुझे। इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, चले इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सोहेब भाई आपको इस मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया,
देखें, मैं ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल चल रहा है, रेट चल रहा है, वो ऑलमोस्ट 70-75 to 80 रुपीज पर यूनिट के राउंड अबाउट है। लेकिन मेरे घर का कितना बिल आया ये मैं नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है। मैं लाहौर में भी घर है, गुजरांवाला में भी घर है, लेकिन बिल मैं नहीं देता, ये मेरी फैमिली, ये उन्हीं का काम है। मैं ऐसी जिम्मेदारियों में पड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं और भी बहुत से काम है करने वाले, इसलिए मुझे ये नहीं आइडिया। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको पता करके बता दूंगा कि भाई कितना बिल आया था, दिखा दूंगा कि इतना बिल आया था। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं पे क्वेश्चन आंसर के जो सेशन है इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी मोहब्बत है, और इंडिया के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादातर जो लोग कमेंट करते हैं, ज्यादातर लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि भाई इंडिया कब आ रहे हो, भारत कब आ रहे हो, कब विजिट कर रहे हो। मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 बार मैंने विजिट के लिए अप्लाई किया, अभी भी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया, अभी भी इस्लामाबाद से अगर हम बात करें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ना सिर्फ मेरे लिए, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पाकिस्तानी आम सिटीजन इंडिया अभी नहीं जा सकता। जैसे ही कोई वीजा वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ही कोई मौका मिलेगा, जरूर विजिट करेंगे। और ये जो 2 टिकट्स का मैंने आपको बताया है, ये जो आपको स्क्रीन पे 2 टिकट्स नजर आएंगी, अगर कोई इन 2 टिकट्स पे जाके बैठे, मतलब इन 2 सीट्स पे जाके बैठे और मैच देखे, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वो उसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो या कोई फोटो वगैरह लेके मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि मुझे देखने वालों में से जो लोग हैं वो वहां पे गए और उन्होंने मेरी जगह पे बैठ के मैच देखा, मुझे बहुत खुशी होगी। ये थी आज की वीडियो। आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो कैसी लगी, मैंने जिन सवालों के जवाब दिए आप बताइएगा नीचे, ओपनली बताइएगा कि क्या आपको लगता है मैंने ईमानदारी से वो जवाब दिए। तो जैसी भी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।